इस क्वेश्चन का आंसर दें कि आपके पास एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज हमने गॉस थ्योरम में की थी, एप्लीकेशन नंबर वन। पहली एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की क्या थी? लाइन चार्ज। कोई डाउट इसमें? तो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से ई का फॉर्मूला क्या किया था? 1/4 pi epsilon naught 2 lambda/r। क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहे लाइन चार्ज है और इसके सामने एक डायपोल पड़ा हुआ है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। रख दिया डायपोल। पहला क्वेश्चन, ये डायपोल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस कि नो? ये डायपोल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस कि नो? करेगा। क्यों करेगा? लाइन चार्ज से क्या हो रहा है? लाइन चार्ज क्या प्रोवाइड कर रहा है उसे? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस प्रेजेंट है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फॉर्मूला बोलो फोर्स का, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। राइट, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, ये डायपोल मूव कहां करेगा फोर्स लगने के बाद, राइट कि लेफ्ट? राइट कि लेफ्ट? कितने लोग बोलते हैं राइट? कितने बोलते हैं लेफ्ट? लेफ्ट। ऐसा क्यों बोला लगा आपको, लेफ्ट क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए। ओके, कई लॉजिक लगा रहे हैं लोग कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस जो है नेगेटिव का थोड़ा कम है, तो इसलिए फोर्स ज्यादा लगेगी। अच्छा, एक और तरीका, ई जो यहां लगेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आपकी वाली बात, डिस्टेंस में फर्क है, तो जितना छोटा डिस्टेंस है ई उतना बड़ा है। ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ई यहां पर कम है। राइट, क्लियर है? तो ई यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो फोर्स यहां पर ज्यादा है, फोर्स यहां पर कम है। फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां फोर्स क्या लगेगी? एफ वन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई वन मैग्नीट्यूड में, और यहां क्या लगेगी? रिपल्शन, एफ टू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई टू रिपल्शन में। तो पहला रिजल्ट, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगी, क्यू इंटू ई वन, पुट कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना 2 सेंटीमीटर को, और टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 2 mm को मीटर में कन्वर्ट करना, तो ई टू आ जाएगा 2.2 × 10^-2, तो ये ई टू आ गया। तो एक क्यू इंटू ई वन आ गया, एक क्यू इंटू ई टू आ गया, एक लेफ्ट फोर्स है, एक राइट है, क्योंकि लेफ्ट की फोर्स बड़ी है क्योंकि डिस्टेंस छोटा है, तो नेट फोर्स क्या होगी? बड़ी में से छोटी, माइनस। और आंसर कहां आएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, इस चीज का आंसर दो। सपोज आपके पास एक लाइन चार्ज है, ये रहा लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक डायपोल है, वो डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसकी मोशन कैसी होगी? डायपोल में मोशन कैसी होगी इसकी? सर्कुलर। कितने लोग बोलते हैं रोटेशनल टॉर्क जनरेट होगा, यस कि नो? नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स क्या होगी डायपोल पे? नेट फोर्स क्या होगी? कितने लोग बोलते हैं जीरो? देखो, ये दोनों डायपोल के पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हैं, तो ई दोनों पे क्या लगेगा? बराबर, ई सेम लगेगा, तो ये इसे रिपेल करेगा, तो फोर्स क्या होगी? क्यू ई। ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स क्या होगी? क्यू ई। ई तो बराबर है, तो नेट फोर्स क्या होगी? क्यू ई। क्यू ई ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स इज जीरो, पर इसमें टॉर्क जनरेट होगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ कपल, तो टॉर्क में कैसे घूमेगा ये? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसमें टॉर्क तो जनरेट होगा, लेकिन नेट फोर्स क्या रहेगी इसमें? जीरो। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास दो लाइन चार्जेस हैं इनफाइनाइट, एक के ऊपर लैम्डा वन चार्ज डेंसिटी है, एक के ऊपर लैम्डा टू चार्ज डेंसिटी है, गिवन है लैम्डा वन लैम्डा टू, क्लियर है? नेक्स्ट है, आपको इनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है? डी। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन ड्यू टू चार्ज ऑन अनदर।
मुझे ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव लाइन चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। उसने ये नहीं कहा फोर्स निकाल लो, उसने क्या कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो। उसको अंडरलाइन कर लो, यहां पर फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्यों है मैं आपको बताता हूं क्यों है। अब देखो लेंथ क्यों इंट्रोड्यूस की अभी बताता हूं, लेकिन एक पॉइंट बताओ मुझे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाएगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज लैम्डा वन इस वायर के ऊपर ई लगाएगा, हर पॉइंट पर ई वन। ई वन क्या लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा। और ई वन की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 2 × λ1/d। क्या स्टेप क्लियर है, लैम्डा वन की वजह से यहां पर ई लगेगा। सेकेंड वायर को दो मिनट भूल जाओ, ठीक है यहां तक। अब सेकेंड वायर के ऊपर चार्ज है, सेकेंड वायर के ऊपर अगर चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है ई वन, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो सेकेंड वायर फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगी, सेकेंड वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी चार्ज ऑन सेकेंड वायर, चार्ज ऑन सेकेंड वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पहली वायर ने और दूसरी वायर ने क्या यूज किया अपना चार्ज इनटू ई, क्या होता है फोर्स। ठीक हो गया यहां तक। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे फोर्स तो निकालनी नहीं है, मुझे क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एक काम क्यों नहीं करते, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं बाय लेंथ, इधर भी और इधर भी, ये रहा लेंथ, कर दिया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए ये क्या टर्म आ गई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कौन सी वायर की, सेकेंड वायर की चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा टू हो गया। और ई वन की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, पुट कर दो। तो ये देखो, तो फोर्स पर यूनिट वायर ड्यू टू ई वन क्या होगा, ई वन इंटू चार्ज ऑफ वायर टू बाय लेंथ। तो इसकी जगह क्या है, लैम्डा टू ई वन। फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, आज के बाद अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये पक्का ऑब्जेक्टिव में। दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, डी डिस्टेंस अपार्ट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट बाय 1/4πε0 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय डी। पर ये साथ में लिखना, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसे नोट कर लो फॉर्मूला रजिस्टर में, सीधा काम आएगा ये। अगली बार टेस्ट रेडी करके आना फ्लक्स का, क्लास के बाद छोटा टेस्ट है, शीट्स में से ही आएगा, कोई बाहर से कुछ नहीं। जो आज हम कर रहे हैं और जो पिछली क्लास में किया डेरिवेशंस, मैं कोई तीन डेरिवेशंस दूंगा आपको, शेल की, स्फीयर की, शीट की या लाइन चार्ज की, में से एक तीन या दो तो देनी है मुझे, क्योंकि तो आना ही आना है पक्का। इससे आपके फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे, और प्लस जो आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इसमें से बेसिक, कोई कॉम्पिटिशन का कुछ नहीं, बस बेसिक आएगा कि बस कोई भी क्लोज बॉडी दूंगा उसका चार्ज निकाल दो, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, बस इतना की चार क्वेश्चंस का। तो प्लीज़ प्रिपेयर करके आना, कोई डिले नहीं। और संडे को टेस्ट के अंदर इस बार मैं आपको टिपिकल जो एनसीईआरटी सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव्स आने हैं आपको एक सैम्पल इस टेस्ट में डालूंगा, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि पेपर किस लेवल का आता है, एक आइडिया पता लग जाएगा। टू टफ नहीं है, बेसिक है, एनसीईआरटी है, और जो है कॉम्पिटिशन का नहीं है, तो बेसिक है, तो आधा सब्जेक्टिव है आधा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं आपको 40 क्वेश्चन दूंगा कम से कम, 40 या 35, बहुत इजी वन लाइनर्स हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना ये कॉम्पिटिशन लेवल का टेस्ट नहीं है, ये पहला टेस्ट एनसीईआरटी लेवल है, जिसमें आपको बेसिक्स के अंदर क्या क्वेश्चन लगेंगे वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको आइडिया होगा कि मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। फिर अगला टेस्ट जो होगा वो फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन का होगा, बोलो। ऑफलाइन है, यहीं पर आके देना संडे को, मैं टाइमिंग बता दूंगा सैटरडे को आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली 4 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से 4 मीटर ऊपर एक इनफाइनाइट वायर है। इट कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मीटर में, याद रखना कूलम पर मीटर। ठीक, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस बिलो। तो यहां पर ई कितना है? ये तो बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट वायर का ई का फॉर्मूला लगा दो, 1/4π ε₀ 2λ/r, डन, खत्म, आंसर। आर को 4 मीटर पुट कर देना। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार देखो प्लीज। कितने लोग हैं जिनके भी स्कूल के एग्जाम में कैपेसिटर तक आ रहा है? अभी पेपर कब है? कौन मिड में? और कोई स्टूडेंट? कुछ नहीं। ठीक है, तो जिनका एग्जाम आ रहा है कैपेसिटर उनको लग रहा है या पता लग रहा है, तो लास्ट ईयर का लॉगिन आईडी जनरेट करवा लेना, वहाँ से अपना पहली करके रखना कैपेसिटर। तो ऐसे ना करना कि हमारा हुआ नहीं इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहली कैपेसिटर सुन के रखना। तो इससे आपकी दो बार तैयारी भी हो जाएगी, पोटेंशियल कैपेसिटर भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी स्कूल की, डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बता देना जिससे जनरेट करवाना है। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर मेरा भी फिजिक्स के एग्जाम में दोनों चैप्टर आ रहे हैं, पूरे आ रहा है, सेकंड चैप्टर अच्छा ठीक है, पूरा आ रहा है। कल मुझे 11 बजे रिमाइंड करा दो कि लॉगिन आईडी जनरेट करना है, मैं आपको लास्ट ईयर का लॉगिन आईडी जनरेट कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, प्लस ओके टू का, सर, तो फिर आप वहां से उसको कवर कर लेना पक्का। ओके सर, ठीक है, तो पार्टिकल जिसका मास ग्राम्स में गिवन है उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना प्लीज। Is kept over a large horizontal sheet of density given. बोलो ये क्या given है? Lambda, sigma की rho. Coulomb per meter square. तो sigma, charge upon area. Sheet में हमेशा sigma use होता है. Sheet की वजह से E का formula क्या होता है? Thin sheet का sigma by 2 ε₀. Sigma by 2 ε₀. Clear है यहां तक? तो What charge should be given to this particle? तो इस पार्टिकल को हम कितना चार्ज दें इस शीट के ऊपर हवा में पड़ा हुआ है ताकि रेस्ट पे रहे। तो ऐसे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काफी बार हमने किए, आंख बंद करके बता सकता हूं कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा ना उसमें एक ही इक्वेशन लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्यू इज इक्वल टू एम जी। गिरना उसने एम जी से है, बचाना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने है, तो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई। अब वो अलग बात है कि शीट ने ई लगाया, लाइन चार्ज ने ई लगाया, पॉइंट चार्ज ने ई लगाया, ई का फॉर्मूला में चेंज। तो वही चीज है इसमें, ये शीट है और ये चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। और वेट कहां पर है? नीचे। तो अगर ये स्टेशनरी रखना चाहते हो तो एम जी इक्वल टू क्यू ई, और सिग्मा इसमें ई क्या होगा? सिग्मा बाय 2 ε₀। तो इसके अंदर आपको एम जी इक्वल टू क्यू ई और यहां पर ई की जगह सिग्मा बाय 2 ε₀, तो आपको क्या निकालना है? चार्ज। तो सारी वैल्यूज गिवन है, चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? लॉजिक क्या लगेगा? ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी पे है, यानी कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो किसी ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले ये क्वेश्चन है। तो क्या लगाएं? अगर मैंने आपको चार्ज निकाल के दे दिया तो क्या लगाएं जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट आ जाए हमारे पास? क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन याद है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से Q is equal to NE लगाएंगे तो यहां से N की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें?
लॉजिक क्या लगेगा समझ में आ रहा है? तो आज की बात कोई भी शीट वाली प्रॉब्लम जिस पे चार्ज स्टेशनरी है, mg इज इक्वल टू क्यू ई, बात खत्म, वहां से अपने आंसर को निकाल ले, राइट? तो अब एक ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को एक बार मुझे करके दिखाएं, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं है, मैं क्वेश्चन को और चेंज करके दे रहा हूं, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, ये शीट की प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है रो। वॉल्यूम वाइज का मतलब है कि चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोलो ये सिलेंडर कंडक्टर होगा या नॉन कंडक्टर होगा? नॉन कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज होता ही नहीं, तो ये कंडक्टर तो है नहीं। चलो चार्ज वॉल्यूम वाइज है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये इनफाइनाइट वायर नहीं है, ये एक्सिस है, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है। क्वेश्चन है कि आपको इसके स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई की वैल्यू निकालनी है और आपको सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर और लेंथ कैपिटल एल के बने, तो आपको ई निकालना है। ये क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन बनेगी एक तरीके की, ये मैंने करवाई नहीं, लाइन चार्ज मैंने करवाया है, सॉलिड सिलेंडर की वजह से ई निकालना मैंने नहीं करवाया, तो आपको निकालना है। मैं हिंट दे सकता हूं, जहां पर ई निकालना है वहां टेक गॉशियन सरफेस। तो आपको बहुत सारी इसमें गॉशियन सरफेसेस लेनी है, यहां पर लें, यहां पर लें, यहां पर लें, या यहां पर लें, या यहां पर लें, हर जगह आपको लेनी है गॉशियन सरफेस। डीएस 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 इतना कर सकता हूं, और सारी गॉशियन सरफेस को मिला के इमेजिनरी क्या बनेगी, गॉशियन सरफेस की शेप क्या बनेगी, सिलेंडर ही बनेगी, क्योंकि सिलेंडर के आसपास सिमेट्री में सिलेंडर बनेगा। अब शुरू करें रफ में। तो आप लोगों ने इसमें क्या किया, सबसे पहले आपने इसको ज्वाइन किया गॉशियन सरफेस को ऐसे, ये आपने इसे ज्वाइन किया, ऐसी गॉशियन सरफेस यहां भी आपने ज्वाइन की, और फिर इमेजिनरी क्या बनाया, एक सिलेंडर। तो ये एक बड़ी गॉशियन सरफेस है जहां पर आपको ई निकालना है, ठीक है यहां तक? अब यहां पर जो सरफेस एरिया होगा वो बाहर की तरफ होगा डीएस, और E अगर निकालना है तो प्लस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। तो E और DS में एंगल जीरो, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, जो एरिया वेक्टर है वो तो DS वेक्टर लेफ्ट की तरफ होगा, प्लस वन रखेंगे प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो E वेक्टर ऐसे होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपके पास सबसे पहले गॉशियन सरफेस का क्या निकलेगा, स्मॉल फ्लक्स। ऐसे करते हैं, तो पहले गॉशियन सरफेस का स्मॉल फ्लक्स निकलेगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो बताएं इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह क्या पुट करें, 2 पाई आर एल, आर बड़ा की आर छोटा, आर बड़ा की आर छोटा,
हम फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, एक्चुअल सिलेंडर का या गॉशियन का? तो एरिया भी किसका? गॉशियन का। गॉशियन का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो यहां पर क्या पुट करेंगे? 2 पाई स्मॉल आर एल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहां तक? अब आप जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहती है कि क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड क्या होगा? अब क्यू इनसाइड में गॉशियन के अंदर कौन सा चार्ज है? ये पूरा ग्रीन कलर का चार्ज है जो एक्चुअल सिलेंडर के ऊपर है, हवा में तो चार्ज है नहीं, तो ये पूरा हरे रंग का चार्ज निकालना है जो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? रो। और इस पूरे का वॉल्यूम क्या है? कितना? आयर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कैपिटल आर लेना है क्योंकि वॉल्यूम हमने इस पोर्शन का लेना है जिसका हमने चार्ज निकालना है, तो रो इनटू इसका वॉल्यूम। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें और ई की वैल्यू निकाल लें आंसर। तो एक आंसर क्लियर है, पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, अब कोई भी फिगर आ जाएगी जिसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो उसको कैसे करना है आपको आइडिया समझ में आ रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सिलेंडर है ये रहा, और इसमें चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे अभी हमने किया था ये रहा। ये इसका एक्सिस है, एक्सिस है, रेडियस कैपिटल आर है। आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि इस एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर यहां पे ई क्या होगा? करें सॉल्व। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई क्या होगा? बाकी डायमेंशन सेम है, रो भी सेम है, एल भी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसके अंदर जो आर डिस्टेंस दूर ये कुछ भी ले लो, तो आप यहां पर क्या लोगे? गॉशियन सरफेस। तो इन सभी गॉशियन सरफेसेस को जब मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा ऐसा, ये रहा। तो ये सिलेंडर बन जाएगा कुछ इस तरीके से जो अंदर की तरफ बनेगा। क्लियर है यहां तक? अब एरिया वेक्टर फिर से एक बार बाहर, डीएस वेक्टर और ई वेक्टर भी बाहर एक तरफ। तो इस गॉशियन सरफेस जो ब्लैक कलर की है उसमें स्मॉल फ्लक्स क्या होगा? ई डीएस कॉस 0, और टोटल फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बोलो क्या होगा? 2 पाए आर बड़ा कि छोटा? छोटा इंटू एल, राइट। ठीक है यहां तक? क्योंकि गॉशियन सरफेस का फ्लक्स निकल रहा है तो रेडियस भी गॉशियन सरफेस का, और
गॉस थ्योरम से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज है ये बताओ, रो इनटू क्या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, पाए स्मॉल आर की बड़ा आर, चार्ज कौन सा लेना है, चार्ज, हाँ चार्ज आपने ये लेना है, ये वाला, बस ये वाला, बाहर का चार्ज नहीं लेना, अंदर का चार्ज। तो इसका अंदर का वॉल्यूम कितना है, पाए स्मॉल आर स्क्वेयर एल। क्लियर है यहां तक इक्वेशन नंबर टू? तो आप एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर वन एंड टू को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? तो ये आपकी शीट के अंदर यही क्वेश्चन किया हुआ है कि एक्स डिस्टेंस इनसाइड आपको वैल्यू निकालनी है। तो बस मैंने स्मॉल आर लिया, इसने क्या लिया, एक्स ले लिया। तो एक्स ले लिया तो यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हैं, करेक्शन कर लेना, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये कट जाएगा तो ये आंसर आएगा। स्मॉल आर की जगह एक्स रिप्लेस कर लेना प्लीज, स्मॉल आर की जगह एक्स। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है कैसे करना है? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटीरियल इन अ हॉलो स्फेयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई। जो शेल होता है ना, हमने जो शेल्स किए वो थिन शेल्स हैं, पतले शेल्स हैं। ये एक मोटा शेल है। मोटा शेल क्या होता है, जिसकी यहां पर थिकनेस है, मोटाई है। वो कह रहे हैं कि इस थिकनेस के अंदर चार्ज को प्लेस कर दिया, तो इसके अंदर चार्ज डाल दिया, डॉट 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 चार्ज है। तो ये थिक शेल का अंदर का रेडियस R1 है और आउटर का R2 है, और कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। ये शेल कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है। क्यों? क्योंकि चार्ज सरफेस के ऊपर थोड़ी ना है, चार्ज उसके अंदर है, इनसाइड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, सिग्मा की रो, रो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा तो सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रो। तो इमेजिन कर लेना ये रो है, इसमें रो चार्ज है, तो अगर इसमें, या डेंसिटी है, तो अगर इसके अंदर रो डेंसिटी है तो बोलो रो की वैल्यू क्या होगी। अगर टोटल चार्ज ये शेडेड कैपिटल क्यू है तो रो क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम से डिवाइड करें, शेडेड वॉल्यूम, क्योंकि क्यू चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेडेड वॉल्यूम। शेडेड वॉल्यूम की वैल्यू बोलो कितनी है, 4/3 पाए R2 क्यूब, 4/3 पाए R1 क्यूब। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास क्या आ गया, रो की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? ठीक, इफ नीडेड हम रो ऐसा पुट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि रो की वैल्यू क्या होगी इसमें? अब आपको ई कहां निकालना है, आपको ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, कहां से, फ्रॉम सेंटर, और एक्स की वैल्यू R1 से बड़ी है और R2 से छोटी है। अब ये रहा R1, R1 से बड़ी है और R2 से छोटी है, तो कहीं यहां कहीं ले लें, R1 से बड़ी, R2 से छोटी, कहीं पर एट अ डिस्टेंस ऑफ, मान लो एक्स, ये रही एक्स। तो जहां पर ई निकालना है वहां क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, गॉशियन सरफेस। तो गॉशियन सरफेस में एज यूजुअल डीएस वेक्टर जो है वो बाहर होगा और ई वेक्टर भी
बाहर होगा ईडीएफ में एंगल जीरो। तो पहले स्मॉल फ्लक्स निकलेगा, इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकलेगा, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही किया है। ये रहा आपके पास एक गॉशियन सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ये देख सकते हैं, ये गॉशियन सरफेस ये रही, ठीक है। तो ई और डी एस में एंगल जीरो और गॉशियन सरफेस का रेडियस क्या है? एक्स। गॉशियन सरफेस का स्मॉल फ्लक्स क्या होगा? ई डी एस कॉस जीरो। और टोटल फ्लक्स में इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा? गॉशियन सरफेस का रेडियस क्या है? एक्स। तो सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई x2। इक्वेशन नंबर वन। फिर फ्लक्स, जो गॉस थ्योरम से क्या कहा था कि टोटल फ्लक्स गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गॉशियन सरफेस के इनसाइड चार्ज क्या होगा? ये शेडेड चार्ज, क्योंकि इसके अंदर हवा में चार्ज तो है नहीं, तो ये मुझे क्या निकालना पड़ेगा? शेडेड चार्ज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो शेडेड चार्ज है वो कैसे निकलेगा? इसमें रो है डेंसिटी, और इस शेड वॉल्यूम से इसे क्या कर दें? मल्टीप्लाई। क्योंकि रो का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो जितने पोर्शन के वॉल्यूम का चार्ज निकालना है उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्या है पॉइंट क्लियर है? तो चार्ज इनसाइड क्या आएगा? रो डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कितना है? 4/3 π x³। इनर वॉल्यूम क्या है? 4/3 π r³। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपके पास क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। तो इक्वेशन नंबर वन एंड टू से फ्लक्स आ गया, दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके ई की वैल्यू आ गई। अब एंड में क्योंकि क्वेश्चन में रो नहीं गिवन, अगर रो गिवन होता तो बस मेरा आंसर यहीं पर खत्म था। क्वेश्चन में क्यू गिवन है तो मेरे को मेरा आंसर क्यू की फॉर्म में निकालना है। तो मैंने आपको रो का फॉर्मूला शुरू में बता दिया था, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। इस रो को यहां पर रिप्लेस कर दो, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, बस जो बचेगा फिर आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसका लॉजिक लगाना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो कैसे सोचने और कैसे इसका इसको अप्लाई करना है समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है।